बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनराइज़। मैं हूं शनाज और आज हम बनाएंगे इस तरह की बेबी बूट सॉक्स, जो बनानी बहुत ही इजी है। इसको मैंने 9 नंबर नीडल पर मोटी बुलन से बुना है और ये 4 से 5 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगी। अगर आप 0 से 1 साल के बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो सेम इसको ऐसे ही बुने जैसे वीडियो में दिखाया गया है, और इसको आप थोड़ी सी पतली बुलन से 10 नंबर नीडल पर बुन ले तो ये 0 से 1 साल के बच्चे के लिए बन जाएगी। आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही इजी है, बिगनर्स भी इसको बना लेंगे। आइए अब हम इसको बुनते हैं। इसको बनाने के लिए हम 2 कलर की बुलन लेंगे और 9 नंबर हमने नीडल इस्तेमाल करने हैं। वुलन की मोटाई फ्रेंड्स कुछ इस तरह की है, ये देखें, ये जो 2 लाइनें हैं इसमें ये अच्छी तरह से आ नहीं रही है, थोड़ी सी जगह है जो वो बच रही है। इस तरह की मोटाई की आप वुलन ले सकते हैं। इस तरह वुलन को मोड़ कर एक लूप बना लेना है और ये वाला जो धागा है इसको पैर के अंगूठे में टाइट लपेट लेना है और इस तरह से हम फंदे डालते जाएंगे। 36 फंदे हमें डालने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये 36 फंदे हो गए हैं। 2 सिलाइयां हमें सीधी सीधी बुननी है। फर्स्ट लूप को हमें निकाल लेना है, सेकंड से हम शुरू करेंगे। ये लास्ट के स्टिच हैं, फर्स्ट रो के लास्ट का जो स्टिच है इसको हमें इस तरह से करके उल्टा बुन लेना है। अभी हम फिर से फर्स्ट लूप को निकाल लेंगे और सीधी सीधी 1 सिलाई और बुनेंगे। फर्स्ट रो हमने बुन लिया है, ये सेकंड है, ये 2 रो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी जब हम 3रा रो बुनेंगे उसमें हमें क्या करना है, 2 फंदे हम बुनेंगे। 1 फंदे को हम इस तरह से निकाल लेंगे और 1 फंदे को हम इस तरह बुनकर यहां पर 1 स्टिच बढ़ा लेंगे ऐसे, और अभी हमें 15 फंदे बुनने हैं। यहां से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये 15 फंदे बुनने के बाद हमें 1 स्टिच और बढ़ा लेना है। अभी हम 2 फंदे बुनेंगे, 1, 2 और 1 स्टिच यहां पर फिर से हम बढ़ा लेंगे। अभी इस तरफ हम 15 फंदे बुनेंगे जैसे हमने यहां पर बुने हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये देखें, ये 2 फंदे हमारे पास बचे हैं। अभी यहां पर फिर से हमें 1 फंदा बढ़ा लेना है और 1 फंदे को हम इस तरह से सीधा बुनेंगे और 1 फंदे को हमें चेन स्टिच की तरह इस तरह से उल्टा बुन लेना है ताकि यहाँ पर चेन स्टिच बन सके। अभी ये जो रो है इसको हमें सीधा सीधा पूरा बुन लेना है, इसमें कोई भी फंदा हमें बढ़ाना या घटाना नहीं है, सीधा सीधा इसको बुन लेंगे पूरे रो को।
ऐसे ही इसको बुनते जाएंगे पूरा यहाँ तक। इस रो को मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी अगला रो देखें, इसमें हमें क्या करना है, इसमें फिर से हमें एक फंदे को इस तरह से निकाल लेना है और दूसरे को हम बुन लेंगे और यहाँ पर हमें एक फंदा बढ़ा लेना है ऐसे। अभी हमें 16 फंदे बुनने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। 16 फंदे बुनने के बाद हमें एक फंदा बढ़ा लेना है इस तरह से। अभी हम यहाँ पर 4 फंदे बुनेंगे आगे, 1, 2, 3, 4, 4 फंदे बुनने के बाद हमें एक फंदा फिर से बढ़ा लेना है। अभी सेम जैसे हमने यहाँ पर किया है सेम ऐसे ही 16 फंदे बुनेंगे और 16 फंदा बुनने के बाद यहाँ पर जब 2 फंदे रह जाएंगे तो एक फंदा बढ़ा लेंगे और बाकी के 2 फंदे बुनकर इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए ये 2 फंदे बचे हैं, अभी यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लेंगे और इस सिलाई को हम इस तरह से 2 फंदे आगे बुनकर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और अगली सिलाई जो है इसको हमें पूरा सीधा सीधा बुनना है यहाँ तक। इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। इस तरह से सीधा सीधा बुनेंगे पूरे रो को। ये अगला रो देखें, अगले रो में हमें क्या करना है, सेम वैसे ही 2 फंदे हमें इस तरह से बना लेने हैं और एक फंदा यहाँ पर बढ़ाएंगे। अभी हमें 17 फंदे बुनने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ये 17 फंदे हमने बुन लिए हैं, अभी यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे और आगे हमें 6 फंदे बुनने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फंदे बुनने के बाद हमें एक फंदा यहाँ पर बढ़ा लेना है। अभी सेम हमें जैसे हमने यहाँ पर किया था 17 फंदे बुनने थे, पहले हमने 2 बुने हैं फिर हमने 17 बुने हैं और इसी तरह यहाँ पर हमें 17 फंदे बुनने के बाद यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लेना है जब हमारे 2 फंदे बच जाएंगे। ये मैंने इनको बना लिया है और यहाँ पर देखें एक फंदा फिर से हम बढ़ा लेंगे और 2 फंदे बुनकर सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अभी ये वाला जो रो है इसको सारा हमें सीधा सीधा बुनना है यहाँ तक। एक रो में हम फंदे बढ़ा रहे हैं और एक रो में हम ऐसे ही इसको बुन रहे हैं। ये देखें ये सिलाई मैंने पूरी बुन ली है। अभी अगली सिलाई में हमें 18 फंदे बुनने हैं। ये देखें 2 फंदे हम इस तरह से बुन लेंगे और यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लेंगे। अभी ये वाले जो फंदे हैं ये 18 हम बुनेंगे, 1, 2, 3,
चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह। ये 18 फंदे हमने बुन लिए हैं और एक फंदा बढ़ाएंगे। अभी यहाँ पर हमें 8 फंदे बुनने हैं। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। 8 फंदे बुनने के बाद एक फंदा यहाँ पर बढ़ा लेना है। अभी आगे हम ये सारे फंदे बुनेंगे। जब ये 2 फंदे रह जाएंगे यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए ये 2 फंदे रह गए हैं। यहाँ पर फिर से हमें एक फंदा बढ़ा लेना है और ये वाले 2 फंदे हम बुन लेंगे। ये वाली सिलाई सारी हम सीधी सीधी बुनेंगे यहाँ तक। अभी अगली सिलाई देखें। अगली सिलाई में हमें अब यहाँ पर जो है फंदे नहीं बढ़ाने हैं, सेंटर में ही बढ़ाएंगे। वो देखें किस तरह से 21 फंदे हमें बुनने हैं। ये 2 हो गए हैं, 3 4 5 6 सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस। ये देखें ये 21 फंदे हमने बुन लिए हैं। 21 फंदे के बाद हम इस तरह से एक फंदा बढ़ा लेंगे। अभी हमें यहाँ पर जो है वो 10 फंदे बुनने हैं। 10 फंदे के बाद एक फंदा बढ़ाएंगे। ये देखें एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। 10 फंदे बुन लिए और एक फंदा बढ़ा लिया। अभी ये 21 फंदे हैं, ये सारे हमें यहाँ तक बुन लेने हैं। ये लास्ट के स्टिच हैं। अभी हमें कोई भी फंदा और नहीं बढ़ाना है। ये लास्ट रो था जिसमें हमने फंदे बढ़ाए हैं, ठीक है। अभी ये वाला जो रो होगा ये सारा हमें सीधा सीधा बुन लेना है यहाँ तक। ये सीधा सीधा रो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी लाइनें देखें, 1 2 3 4 5 6 बन गई हैं और ये फंदे जो हैं वो 54 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
तेई चौबीस पच्चीस छब्बीस सताइस, ठीक है 54 फंदे हो गए हैं। अभी आगे देखें क्या करना है। अभी हमें ये जो तीन फंदे हैं इस साइड के और तीन फंदे इस साइड के, इनको हमें सेम ऐसे ही बुनना है जैसे हम पीछे बुन रहे हैं, और बाकी के जो बीच के फंदे हैं इन्हें हमें उल्टा सीधा बुनना है। आइए देखिए कैसे। फर्स्ट लूप को निकालेंगे और सेकंड को सीधा बुनेंगे ऐसे, इसको भी सीधा बुन लेते हैं। अभी इन फंदों को हमें इस तरह से बुनना है। पूरे रो को हमें इसी तरह बुनना है तीन फंदों को छोड़कर। ये उल्टी सिलाई हम बुन रहे हैं। ये देखें ये तीन फंदे जो हैं वो हमें इस तरह से बुनने हैं। लास्ट का स्टिच जैसे हम बुनते आ रहे थे वैसे ही बुनना है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अभी अगली सिलाई देखें, ये वाला रो पूरा सीधा बुना जाएगा। ये देखें इस तरह से, आगे भी हमें सारे फंदे सीधे ही बुनने हैं। एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी, इस तरह से हमें इसको बुनना है। अभी ये दो रो हमने बना लिए हैं, ये देखिए इस तरह से दो रो हमने बना लिए हैं। ये टोटल जो हैं ऐसे ही बुनते हुए हमें छह रो बना लेंगे। ये देखें एक दो तीन चार पाँच छ। चलिए अब आगे बुनते हैं। अभी हमें चार सिलाइयाँ सीधी सीधी बुननी है। फर्स्ट लूप को निकालेंगे और चार सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनेंगे। ये चार सिलाइयाँ मैंने सीधी सीधी बुन ली हैं और ये दो लाइनें जब बन जाएं ऐसे, फिर हमें क्या करना है, यहाँ से 21 फंदों की बुनाई करेंगे और उसके बाद 11 फंदे बुनेंगे और उसके बाद 12वां और 13वां का धोखा एक करेंगे और उसके बाद यहीं से फिर से टर्न करके बीच के फंदों को हम बुनते जाएंगे। दोनों साइड से 21 फंदे इस तरफ और 21 फंदे हमारे इस तरफ होंगे। आइए अब हम इसको बुन लेते हैं, देखिए कैसे। ये अभी हम 21 फंदों की बुनाई करेंगे। ये एक उतार लिया है, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस। ये देखें ये 21 फंदों की बुनाई हमने कर ली है। अभी आगे हम 11 फंदे बुनेंगे, वो देखें कैसे। यहाँ से फिर से हम गिनती शुरू करते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह। ये 11 फंदे हमने और बुन लिए हैं और टोटल जो है ये 31 फंदे हो गए हैं। 31 फंदे बुनने के बाद हमें क्या करना है, ये देखें इन दो फंदों को हमें इस तरह से ऐसे सीधा कर लेना है, ठीक है। अभी हम इनका दो का एक कर देंगे ऐसे पीछे की तरफ से।
ये देखिए, और यहीं से हमें फिर से इस तरफ को टर्न कर लेना है। अभी हमें ये वाला फंदा किस तरह से निकालना है ये ध्यान दें। ये देखें, इसको हम ऐसे पीछे की तरफ से ऐसे निकालेंगे, यहाँ से नहीं निकालना, ऐसे निकालेंगे, और ये वाला धागा जो है वो हमें इस तरफ कर देना है। ये एक हो गया, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह। ये ग्यारह फंदों की बुनाई हमने कर ली है। अभी बारहवां और तेरहवां फंदा हमें इस तरफ धागा करके ऐसे इसको उल्टा ही धोखा एक कर देना है। जब उल्टी तरफ से हमें फंदों को धोखा एक करना है तब हमें फंदे पलटने नहीं है। अभी हमें इस तरफ इसको फिर से टर्न कर लेना है यहीं से, ठीक है। और अभी ये वाला फंदा जो है वो हमें किस तरह से निकालना है, इसको हमें ऐसे ही निकाल लेना है और आगे फिर से बुनाई शुरू कर देनी है। ये दो हो गए हैं, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह। ये देखिए, ग्यारह फंदों की बुनाई कर ली है। बारहवां और तेरहवां फंदा फिर से हमें ऐसे ही इनको सीधा करना है, ऐसे, और इस तरह से पीछे से हमें दो का एक कर देना है, ठीक है। यहीं से फिर से हम पलटेंगे और ये वाला जो फंदा है इसको हमें इस तरह से ऐसे निकालना है और धागे को इस तरफ करना है और फिर से बुनाई शुरू कर देनी है। यही बारह फंदे हमें बार बार बुनने हैं, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह। ये देखें, ग्यारह फंदे हमने बुन लिए हैं। बारहवां और तेरहवां इसका दो का एक कर देंगे ऐसे। बस इसी तरह हमें करते जाना है बार बार। ये देखिए, इनको हमें ऐसे ही बुनते जाना है दोनों तरफ से। एक फंदा इस तरफ से कम करेंगे, एक फंदा इस तरफ से कम करेंगे और आगे इसको बनाते जाएंगे जब तक जितने फंदे यहाँ पर हैं बारह, बारह ही इस तरफ बचेंगे और बारह ही इस तरफ बचेंगे, तब तक हम इसकी बुनाई करते जाएंगे। मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। अभी देखें, बारह फंदे हमारे इस तरफ हैं, बारह इस तरफ हैं और बारह ही यहाँ पर हैं। ये टोटल फंदे जो हैं वो 36 है। अभी हमें क्या करना है, ये देखिए, यहाँ पर हमने दो फंदों को कम करके इस रो को कम्प्लीट किया है। अभी आगे देखें, यहाँ से बुनकर हम यहाँ तक सिलाई को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी हमें कोई भी फंदा जो है कम नहीं करना है, बस इसको ऐसे ही सीधा सीधा बुनना है। बीच में जो जहाँ पर 12 फंदे बुनकर जो है, ये देखें, यहाँ पर जब जगह बची है जो ये वाली, ये देखें, यहाँ पर ये जो जगह है यहाँ पर हमें क्या करना है, इस फंदे को हम इस तरह से सीधा करेंगे, ठीक है, और इसको ऐसे निडल में उतार लेना है। और ये जो, ये देखें, ये वाला जो
फंदा है इस तरह से उठा लेना है नीचे से, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी ये देखें, ये नीचे से है, इसको ऐसे उठाया ताकि यहाँ पर कोई गैप जो है वो नजर ना आए। ये वाले फंदे को सेम वैसे ही हमें डाल देना है जैसे हम पीछे इसको कम करते वक्त डालते थे, तो दो का एक ऐसे कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर जो जॉइंट है वो अच्छे से हो जाएगा। अभी पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। इधर भी हमें इसी तरह करना है। यहाँ से हम फंदे को उठाएंगे, वो देखें किस तरह से, और यहाँ पर भी हमें दो का एक कर देना है। अभी चार सिलाइयाँ जो हैं वो हमें इसी तरह डालनी है। अभी ये देखिए यहाँ पर हम फिर से आ गए हैं। अभी हमें क्या करना है, इस फंदे को इस तरह नीडल में उतारेंगे और ये देखें यहाँ से ये वाला फंदा हमें इस तरह से उठा लेना है। ये सिर्फ इसलिए है ताकि यहाँ का जो गैप है वो ना रहे। अभी हमें क्या करना है, ये देखें यहाँ पर फिर से हम धागे को इस तरफ लाएंगे और इस तरह से हमें दो का एक कर देना है जैसे हम पीछे कर रहे थे। तो धागे को फिर से पीछे की तरफ लेके जाएंगे और ये वाले जो सारे फंदे हैं वो हमें सीधे सीधे बुन लेने हैं। अभी इसको टर्न करेंगे। अभी भी हमें सारी सिलाई जो है वो सीधी सीधी यहाँ तक बुननी है। ये देखिए ये दो फंदे मैं आपको बुनकर दिखा देती हूँ, बस ऐसे ही पूरी रो को हमें बुनना है। अभी ये देखें यहाँ पर दो लाइनें पहले से थी और दो अब और बन गई हैं। जब जिस लाइनें जो है चार दिखने लगे फिर हमें कलर चेंज करना है। यहीं पर हम कलर चेंज करेंगे। ये देखें और इसके छह रो बुनेंगे। छह रो बुनने के बाद लाइनें जो हैं वो तीन बन जाएंगी। कलर डालने के बाद ये हमारा फर्स्ट रो जो है वो पूरा हो गया है। सेकंड रो को भी हमें इसी तरह बुनना है सीधे सीधे। ये लास्ट के स्टिच हैं। ये वाला जो स्टिच है ये एंड तक हमें इसी तरह उल्टा करके बुनना है। अभी ये देखें ये एक लाइन बन गई है, आगे हमें दो और बना लेनी है।
यानी कि टोटल रो जो है ये 6 बनाने हैं। मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, 1 2 3। अभी ये 6 रो कंप्लीट होने के बाद 3 लाइनें बन गई हैं। अभी हम यहीं पर धागा जो है वो चेंज करेंगे और इसके भी हमें 6 रो ही बना लेने हैं। सेम ऐसे ही बुनना है जैसे हमने अभी बुना है, ये देखिए ऐसे ही सीधी सीधी सिलाइयाँ, इसके भी हमें सेम इतनी ही बनानी है जितनी ये है। ठीक है, मैं इसको पूरा कर लेती हूँ। ऐसे ये 6-6 रो की पट्टियाँ बनती जाएंगी और ये लाइनें जो हैं 1 2 3 एक रंग की बनती जाएंगी। इसी तरह आप जितनी चाहें इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं। मैं इसके टोटल जो हैं 30 रो बनाऊंगी, इसी तरह की 3 पट्टियाँ आगे और बुनूंगी। मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। ऐसे 1 2 3 4 5, ये 5 पट्टियाँ बन गई हैं और 30 रो यहाँ से हमने गिनकर लगाए हैं, यहाँ तक ये 30 रो हो गए हैं। अभी हम इसको बंद कर देंगे। बंद करने का सिंपल सा तरीका है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें, हमें सबसे पहले इस तरह से 2 फंदों का एक कर देना है और इसी फंदे को फिर से नीडल में उतारेंगे और 2 का एक कर देंगे। इसी तरह हमें पूरा रो जो है बंद कर देना है, ऐसे करते हुए मैं पूरा रो इसका बंद कर देती हूँ। ये देखिए ऐसे ये चेन बन जाएगी और यहाँ तक मैं इसको बंद कर देती हूँ। ये लास्ट के स्टिच हैं, ये देखिए मैंने पूरा इसको बंद कर दिया है। अभी लास्ट में आप देख लें कि किस तरह से हमें धागे को जो है कट करना है लास्ट में। ये जो एक स्टिच है इसको भी हमें एक बार इस तरह से नीट कर लेना है, ये ऐसे। और अभी हम थोड़ा सा लंबा धागा रखकर इसको काट लेंगे। चाहे तो हम वाइट के साथ इसकी स्टिचिंग कर दें या फिर हम ऑरेंज के साथ इसकी स्टिचिंग कर दें। और इसी तरह हम ये जो धागा है इसको भी थोड़ा लंबा रख के कट कर लेते हैं। ये देखें, ये इस तरह से बन जाएगा। ये पैर के आगे का हिस्सा है। अभी हमें जब स्टिचिंग करनी है, ये देखें ये तो सीधी साइड है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसको स्टिच करना है। ऐसे हम स्टिचिंग शुरू करेंगे यहाँ से और यहाँ तक इसकी स्टिचिंग कर देनी है, बस इस तरह से करके। अभी यहाँ पर देखें, मैंने 2 सुइयों का इस्तेमाल करना है स्टिचिंग करने के लिए। एक में मैंने वाइट डाल रखा है और एक में ऑरेंज। ये देखें, हम इस तरह से इसको मोड़ेंगे। ये जो धारियाँ जब हम मिलाते हैं तो एक कलर से हम अगर स्टिचिंग करते हैं तो हमारा धागा जो है सीधी साइड से कई बार नज़र आता है। तो ऐसा करने से अगर आप दोनों धागों से स्टिचिंग करोगे तो ऐसा नहीं होगा। ये देखें, ये वाली स्टिचिंग जो है वो हम इसी से करेंगे, वाइट को वाइट के साथ और ऑरेंज को ऑरेंज के साथ हमें सिल देना है। अभी इस धागे को हमें इस तरह से रख लेना है साथ में, ठीक है, और ऑरेंज के साथ ये वाले स्टिच ऑरेंज के साथ सिल देंगे। ये याद रखिएगा कि ये जो धागा है ये हमें बीच में ही सिलना है।
सीनरी की मैं आपको नज़दीक करके दिखा दूँ। ये जो स्टिच है ये दोनों मैं एक साथ उठा रही हूँ, ऐसे ऐसे, ठीक है। और इसको भी हम बीच में ले रहे हैं, ये स्टिचिंग होगी। और अब हम यहाँ पर ये वाले धागे को इस तरह साथ में रख लेंगे और इसके साथ स्टिचिंग करेंगे। इस तरह करने से दूसरी साइड से जो है धागा अलग अलग नजर नहीं आएगा। ये देखिए, जैसे हमने इनको बुना था वैसे ही हम इसकी स्टिचिंग कर रहे हैं। ठीक है जी, और ऐसे ही हम इसको यहाँ तक व्हाइट और ऑरेंज के साथ सिलेंगे, और आगे का जो होगा वो अकेले ऑरेंज के साथ हम ऐसे इसको सिलते हुए यहाँ तक पूरा करेंगे। ठीक है, मैं इसको सिल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये स्टिचिंग इसकी कंप्लीट हो गई है। अभी आप देखें ये सीधी तरफ से जो मैंने आपको दोनों धागों के साथ सिलने के लिए कहा था वो किस तरह से नजर आता है, ये देखें। ठीक है, आप चाहें तो सिंगल धागे के साथ भी सिल सकते हैं। ये जो सॉक्स है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी हम इसको पहनकर देखेंगे कि पहनने के बाद ये किस तरह से नजर आती है। चलिए मैं इसको पहनकर आपको दिखाती हूँ। पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।